देखो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपके 15वां क्वेश्चन, इसने कहा है कि 6 मीटर लंबी, क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में आज बोर्ड में, 6 मीटर लंबाई ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया दे रखी है 4 मीटर, एक स्तंभ दे रखा है इसकी लंबाई तो कितनी है 6 मीटर, इसकी जो हाइट है होता है 6 मीटर, उसकी जो छाया है वो दे रखी है आपके 4 मीटर, 4 मीटर है इसकी छाया, ये तो स्तंभ और ये इसकी छाया, और दूसरा एक ऐसा इसी उसी समय एक मीनार है, ये रही मीनार, मीनार की छाया की लंबाई दे रखी है कितनी दे रखी है आपके 28 मीटर, तो बताओ मीनार की हाइट क्या है ज्ञात करना, वो भी एग्जाम आएगा आप देखा ज्यादातर क्या हाइट हाइट बोलते सीधे लंबी बसनार ना आएगा, क्योंकि लंबी बसनार बैठे हैं मोगल एडी सब मीनार मीनार बैठे सब, देखो ध्यान दो नाइन्थ में नहीं नाइन्थ चैप्टर में जाना इसमें भी देखो ध्यान दो, सवाल आता है 2 नंबर का और ज्यादातर गलत करते हैं, पहले मिला ले एक रेखा आपका त्रिभुज, ये तो हो गया ए बी और सी, ये हो गया पी क्यू और आर, देखो ऊर्ध्वाधर सीधा खड़े हैं तो हमेशा सीधी ऊंचाई कितनी होती है हमेशा 90 डिग्री, ये हाइट है ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री में ही होती है, एक त्रिभुज तो क्या ले आओ त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर से, इन दोनों में से हमें दो चीजें बराबर कर, दो कोण बराबर कर लो, सबसे पहला था 90 डिग्री, कोण ए बी सी बराबर है कोण पी क्यू आर, इसका बी कोण उसका क्यू कोण 90 डिग्री बराबर है, तो बी और क्यू को बीच में रखो बराबर है, कारण देखो आपने 90 डिग्री लिख सको आप ऊंचाई के कारण होता है, मतलब हाइट के कारण हाइट ऊंचाई रहेंगे हमेशा 90 डिग्री बिल्कुल सीधे, या ऐसा लिखा होता तो पूरी खड़ी है सीधी रेखा, तो हमेशा जो भी बिल्डिंग है उसको हमेशा हाइट में मानते हैं, मतलब 90 डिग्री मान लो कोई भी चीज़ है, तो फिर है एक और कोण और बराबर है, तो कारण कौन सा कोण बराबर है किसके बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर तो है, कारण बताओ कौन सा कैसे बराबर होगा, ए सी बी बराबर है कोण पी आर क्यू, आप चाहो तो बोली कोण सी बराबर कोण आर भी लिख सको दोनों बराबर, कारण बताओ ये कारण है आपके उन्नयन कोण, क्या दे रखा है लंबी प्रश्न पट्टी बंदे बताओ लंबी प्रश्न वाले में उन्नयन कोण, मैं यहाँ कह सको देखो उसमें लिखा हुआ, देखो लाइन दी हुई देखो, जबकि उसी समय लिखा हुआ उसी समय सूर्य के उसी समय बनने वाले सारे कोण क्या होते हैं बराबर, जैसे मान लो कोई पेन है इसकी छाया कितनी है, जैसे मान लो इसकी आधी, आप खड़ा है जावन तो आप जो छिया है सूर्य भाई कितनी अलग आपने आधी ले ली, कोई बिल्डिंग है तो जितनी बिल्डिंग की हाइट है उन्होंने आधी का अलग छाया रहेगी, अगर आपने बराबर छाया पड़ रही है आप खुद ही देखो आप 3-4 साल चल रहे हो, अगर छिया देखो तो कोई अगर मोटो है तो मोटी छिया रहे छोटो है छोटी छिया रहे, जितनी हाइट है उनसे चेंज नहीं रहे, क्योंकि सूर्य रोशनी है सब जगह एक ही पड़े, जो बड़ा है उन बड़ी हाइट है जो छोटा उन छोटी हाइट रही, या मान लो जैसे कोई थोड़ा आदमी आधी जितनी हाइट है उन्होंने आधी छिया है तो सब आई हुई रहे जितना भी है सब जितनी बड़ी हाइट है उन्होंने आधी का रहेगा उनकी छिया आधी ऊंचाई रहे, इसमें क्या है कि आपके उन्नयन कोण का दिया क्या क्या लोगे उसी समय बनने वाला कोण, सूर्य के एक ही समय बनने वाले सूर्य से एक ही समय बनने वाले कौन एक ही समय में बनने वाला कौन, सूर्य से एक ही समय में बनने वाले सभी कौन क्या होते हैं बराबर, तो ये भी सूर्य से मान सूर्य कहते हैं तो सूर्य छाया से जो कौन बना है और यहाँ से कौन सबसे कौन क्या होगा आपके कौन क्या होगा आपके बराबर, नियम लग लो ए ए नियम द्वारा कह सकते हैं बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है तो भुजाएं क्या होंगी समानुपाती, ये भुजा इसके समानुपाती ए बी बटा क्या होगा पी क्यू, आप यहाँ से देख सकते हो यहाँ अगले दो अक्षर यहाँ भी अगले दो वाले, फिर ये भुजा इसके समानुपाती होगी मतलब क्या होगा बी सी बटा क्यू आर, मतलब पीछे वाला दो अक्षर ये पीछे वाला दो अक्षर हमें यही चाहिए, ये दोनों क्या होंगे आपके बराबर, कारण क्या है बाई सी पी एस टी, अब ए बी कितना
ये तो दे रखा है 6 मीटर, पी क्यू कितना, एच बी सी कितना, चार, और क्यू आर कितना, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, ये हो गया 4h बराबर 28 इंटू, ये गुणा करके किसमें जाएगा आपके बाहर में, तो h का मान हो जाएगा 28 इंटू 6/4, बात देख ली बार, 7 बार h का मान हो जाएगा आपके 42, मतलब 4 को गुणा करेंगे 7 से तो क्या आता है 28, तो इसको भी किसे गुणा करेंगे 7 से, कितना आता है 42, क्या होगी समानुपाती, अगर त्रिभुज क्या होंगे समरूप, सिमिलर ट्रायंगल।